हेयर्स ड्रॉ करने के लिए आई विल यूज़ डार्क ग्रेफाइट पेंसिल्स लाइक 8B एंड 10B। सो ये है मेरे पास 8B एंड 10B जो कि काफ़ी छोटी हो चुकी है, तो मैं पेंसिल एक्सटेंडर का यूज़ करूँगा। इस तरह से हम इसको इसमें डाल सकते हैं एंड फिर ईजिली यूज़ कर सकते हैं। हेयर्स ड्रॉ करने के लिए हमको डार्क ग्रेड की ग्रेफाइट पेंसिल का यूज़ करना चाहिए लाइक 8B एंड 10B। 8B तो होनी चाहिए, 8B से नीचे वाले तो ज़्यादा डार्क नहीं होती हैं। काफ़ी इजी है, बस हमको डार्क ग्रेड की पेंसिल से हेयर्स की डायरेक्शन में स्ट्रोक्स लगाने हैं काफ़ी स्लोली। बस हमको काफ़ी आराम आराम से देख देख के एक एक स्ट्रोक लगाना है। जो भी डार्क पेंसिल आपके पास है, ग्रेफाइट पेंसिल जो भी जिस भी ग्रेड की है, आप उससे काफ़ी स्लोली ड्रॉ कर सकते हैं। बस एक ही बात का ध्यान रखना होता है कि जो भी हमारे स्ट्रोक्स हैं वो हेयर्स की डायरेक्शन में जाने चाहिए, जो भी आपकी रेफरेंस फोटोग्राफ है उसके अकॉर्डिंग। एंड जहाँ पर डार्क हेयर्स हैं वहाँ पर आप थोड़ा प्रेशर ज़्यादा अप्लाई कर सकते हैं। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट स्ट्रोक्स ही होते हैं जो हमको बहुत ध्यान से ड्रॉ करने पड़ते हैं। नीचे वाले पार्ट में थोड़ा डार्क है तो मैं यहाँ पे डार्क कर देता हूँ। एंड ब्लेंडिंग के लिए मैं यूज़ करूँगा ब्लेंडिंग स्टम्प। इसको बस रब कर रहे हैं इसके ऊपर, एंड जहाँ पर डार्क एरिया है वहाँ पे तो ज़्यादा प्रेशर के साथ, एंड जहाँ पर लाइट है वहाँ पे आपको लाइट प्रेशर के साथ करना है बस। एंड अब हाइलाइटिंग के लिए हम यूज़ कर सकते हैं अप्सरा की ग्लास मार्किंग वाइट पेंसिल, जो कि काफ़ी बढ़िया है हाइलाइटिंग के लिए। अभी मैं आपको दिखा देता हूँ, सो यू कैन सी दैट काफ़ी इजीली इसके ऊपर ये चल रही है। ये पेंसिल आपको मार्केट में इजीली मिल जाएगी, 5 रुपये की मिलती है ये पेंसिल। एंड फाइन स्ट्रोक्स के लिए मैं यूज़ कर रहा हूँ 6B पेंसिल। जो छोटे मोटे स्ट्रोक्स हैं तो उसके लिए मैं 6B पेंसिल यूज़ कर रहा हूँ। हेयर्स ड्रॉ करना काफ़ी इजी है, बट आप बस आपके स्ट्रोक्स अच्छे होने चाहिए एंड डार्क पेंसिल का यूज़ करना चाहिए एंड काफ़ी स्लोली ड्रॉ करना चाहिए बस। और डार्क करने के लिए हम इसके ऊपर से और डार्क पेंसिल का यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि एक बार हमने इसको ब्लेंड कर लिया तो इसको अब और डार्क कर सकते हैं हम। हाइलाइटिंग के लिए हम टोम्बो 0 इरेजर का भी यूज़ कर सकते हैं।
सो गाइज ऐसे ही हम बियर्ड को भी ड्रॉ कर सकते हैं डार्क पेंसिल का यूज़ करके, बस स्ट्रोक्स हमारे फोटोग्राफ के अकॉर्डिंग होने चाहिए। ब्लेंडिंग के लिए मैं लो प्रेशर का यूज़ कर रहा हूँ। एंड इसके ऊपर से फिर से डार्क पेंसिल का यूज़ कर रहा हूँ इसको डार्क करने के लिए। सो गाइस ये मेथड है रियलिस्टिक हेयर्स ड्रॉ करने का जो कि मैं यूज़ करता हूँ अपनी ड्राइंग्स में। अगर आपको अच्छा लगा है तो आप भी कर सकते हैं, मैं तो यही मेथड यूज़ करता हूँ अपनी ड्राइंग्स में। बस फोटोग्राफ को ऑब्जर्व करो एंड स्ट्रोक्स लगाते जाओ काफ़ी स्लोली स्लोली। एंड गाइज मैं आपको कुछ ड्राइंग्स दिखा देता हूँ मेरी जो कि मैंने इसी मेथड का यूज़ करके उसमें हेयर्स ड्रॉ किए हैं। सो इस वाले ड्राइंग में यू कैन सी दैट ग्लास मार्किंग पेंसिल से मैंने ड्रॉ किया है। एंड इस वाले ड्राइंग में भी मैंने वही मेथड का यूज़ किया है यू कैन सी दैट हाईलाइट के लिए। एंड इस वाली ड्राइंग में भी एंड इस अमिताभ बच्चन वाली ड्राइंग में भी मैंने वही मेथड का यूज़ किया है। एंड इस ड्राइंग में भी यू कैन सी दैट काफ़ी रियलिस्टिक हेयर्स ड्रॉ हुए हैं। एंड इस ड्राइंग में मैंने स्ट्रोक्स काफ़ी अच्छे से लगाए हैं, हाईलाइट के लिए मैंने कुछ यूज़ नहीं किया बट जो स्ट्रोक्स हैं वो काफ़ी अच्छे से लगाए हैं तो काफ़ी रियलिस्टिक लग रहा है।